पहले ना बड़ा अच्छा अच्छा है। गाड़ी से पहले तो गाड़ी टाइम नहीं मार सकते क्योंकि वो कितने देर रुकती है यहाँ पर? 8 मिनट। 8 मिनट में बढ़ाएंगे इतने चार पैसेंजर। अच्छा अच्छा हाँ वो भी है, जल्दी जल्दी भी देना ना पैसेंजर भी बना ले दे दे। सो गाइस 8 मिनट का टाइम है, 8 मिनट के लिए होती है तो अंकल जी तैयार करके रखते हैं पहले ही, ये सारे के सारे तैयार करके रखते हैं। डालेंगे कटी मोटी चटनी, ये खाओ जी। अभी दे रहा हूँ, पैसे ला दो। कोई नहीं देर। ये पकड़ियो, थोड़ा तो लें, ज़्यादा नहीं लें, अपना भी खाना रखा हुआ है बहुत सारा। खा के दिखा दे एक बाइट कैमरे के अंदर। मीठी चटनी नहीं थी इनके पास? नहीं, ये खट्टी मीठी बता रहे हैं, खट्टी मीठी है। अरे जल्दी खा ले। अरे मैं देख रही हूँ कहाँ से। ₹20 दे पहले। तो गाइस अभी मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। सो अभी मैडम ने ट्राई किया, कैसा है? ठीक है। सो गाइस दिस इज द अल्टीमेट व्यू यू जस्ट अभी आपने देखा, कितना बहुत जबरदस्त व्यू था। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, अराउंड कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या टाइम हो रहा है? 8:38 हो रहे हैं। अराउंड हम मेरे हिसाब से 10 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेन छूट गई थी हमारी, और अब ये दूसरी वाली ट्रेन ली थी हमने। सो कोई बात नहीं, जाना तो था ही। अभी शिमला पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ पर कैसा मौसम होता है। शोधी स्टेशन आ गया। यहाँ पर ये नहीं रुकेगी, इसमें मैंने विटेस वाली ट्रेन में कि ये रुकती नहीं है, बहुत कम रुकी, एक ही जगह पर रुकी थी 8 मिनट के लिए, और एक ही स्टेशन था बीच में, उसके बाद ये कंटिन्यू चल रही है। लोग बता रहे थे कि ये 4.5 घंटे रहती है, और जो दूसरी नॉर्मल ट्रेन है जो रुक रुक के चलती है वो लेती है अराउंड आपका 5.5 से 6 घंटे। तो ये बेनिफिट हमें इसके अंदर होगा, बट पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, 1100 रुपये, 300 रुपये, 300 300 हमारे वहाँ पर वेस्ट हुए, 1100 रुपये की टिकट है। कोई नहीं,
कराटे मोली खुल चुकी है मैडम की और थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर खाने के लिए आए हैं। सो गई थी ना मैं? सोते हुए भी वीडियो बनाई थी मैंने। तीन स्टेशन हो रहे थे अभी। सो गाइस थक थक आगे फाइनली शिमला पहुंच गए और अभी होटल के दो एजेंट हैं वो हमारे पीछे लग चुके हैं। ये भाई साहब ये होटल के एजेंट हैं। कोई नहीं हम खुद ही बुक करेंगे होटल नहीं है। अंकल जी थक गए। गाइस अभी तक हमारी हालत ख़राब हो गई होती अगर हम ये सूटकेस दो ऊपर लेके आ रहे होते बट अंकल जी अभी तक लेके जा रहे हैं कंटिन्यू बिना रुके। हम अगर होते तो 8-10 जगह रुक चुके होते। ये फ़र्क होता है दिल्ली में रहने का और पहाड़ी इलाके में रहने का। गाइस ये था हमारा पहले वाला होटल जिसमें हम पहली बार जब पहले शिमला आए थे तो हम रुके थे यहाँ पर। हे गाइस तो फाइनली बहुत थकने के बाद बहुत लंबा सफ़र था ट्रेन का यार। टॉय ट्रेन में बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। फाइनली शिमला पहुँच गए हैं और ये कुछ व्यू है मेरे यहाँ से रूम के यहाँ से रूम में से जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बारिश वारिश अभी हो नहीं रही है साफ आसमान है बादल वादल साफ हैं और मौसम चेंज होने में यहाँ पर सिर्फ मिनट लगता है। सो अभी थोड़ी देर बाद मे भी शायद कोहरा आ जाए बारिश आ जाए एंड सो अभी इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आई विल कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।